आप देख रहे हैं KSN 24 News, पल पल की खबर। सकुशल मिला अपहृत बालक शिवांश, पुलिस की कोशिशों ने लाया रंग। एंकर, सही समय पर सूचना देने और पुलिस के द्वारा तत्परता पूर्वक कार्रवाई करने के नतीजन अपहृत किए गए 6 वर्षीय बालक शिवांश अग्रवाल को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। रायगढ़ पुलिस ने इसके लिए झारखंड के खूंटी जिले में दबिश दी। बच्चे की बरामदी को लेकर छत्तीसगढ़ के DGP DM अवस्थी और बिलासपुर IG रतनलाल डांगी ने कार्यबल की सराहना की। इसके साथ ही झारखंड पुलिस को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया गया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के अंतर्गत खरसिया से 6 वर्ष के बच्चे शिवांश अग्रवाल को अगवा कर लेने के मामले में पुलिस की नींद खराब कर दी गई थी। नगर पालिका परिषद के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद रमेश अग्रवाल के भतीजे शिवांश को अपहृत करने के मामले को लेकर परिजनों ने फौरी तौर पर पुलिस को सूचना दी। मामला चूंकि गंभीर था, इसलिए पुलिस फौरन हरकत में आई। वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई। आनन फानन में कई टीमें गठित की गई और सूचनाओं के आधार पर उन्हें संभावित स्थानों की तरफ भेजा गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने झारखंड के खूंटी जिले में दबिश देते हुए बालक को सकुशल बरामद कर लिया। एडिशनल SP सुशील नायक ने बताया कि इस घटना को अंजाम देने में अग्रवाल परिवार के घर में काम करने वाले नारायण दास और झारखंड के उनके एक परिचित की भूमिका थी। बच्चे की बरामदी को लेकर पुलिस ने राहत की सांस ली है। बिलासपुर रेंज के IG रतनलाल डांगी ने इस मामले को लेकर मीडिया को जरूरी जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के DGP DM अवस्थी ने इस मामले में बहुत जल्द परिणाम आने की सराहना की। उन्होंने इस मामले को लेकर झारखंड पुलिस का भी धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके साथ यह भी कहा कि आपस में बेहतर समन्वय स्थापित होने पर अपराध नियंत्रण करने और अपराधियों को दबोचने में काफी आसानी होगी। सर बताइए, जैसा आप सबको विदित है कि कल शाम को खरसिया नगर के व्यापारी और जैसे पुलिस को जानकारी मिली कि पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह प्रदेशों के पुलिस कल जो एक बच्चा जो 6 साल का बच्चा था जिसकी कल अपहरण हुआ था, उसमें उसके परिवार में जो एक कुक था उसने ये अपहरण की साजिश रची थी। वो परिवार में काफ़ी समय से काम कर रहा था। 2 और साथियों के साथ उसके मन में लालच आ गया था कि परिवार से वो कुछ ना फिरौती की रकम वो वसूल सकता है, तो इसीलिए एक व्यक्ति जो रांची का रहने वाला था यहाँ भी आता जाता रहता था, उसके साथ उसने एक टीम बनाई और बच्चे को कुछ बहाने से वो वहाँ बाहर ले गया और वहाँ से मोटरसाइकिल से ले जाने के बाद इन्होंने एक सुनियोजित तरीके से गाड़ी भी कर रखी थी। उस गाड़ी से उसका अपहरण करते हुए वो लोग रांची ले की तरफ बढ़ने लगे। इसमें 7-8 टीमें बनाई गई थी और उस टीमों को अलग अलग काम दिया गया था। बच्चों को बहुत सारे लोकेशन इसमें मिल रहे थे। एक लोकेशन जब हम लोग को पता चला कि ये इसमें एक जो मोबाइल लोकेशन रांची की तरफ बढ़ रहा है और वो सस्पेक्टेड नंबर है, कुछ और भी क्लू मिले, कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जिसमें लगा कि ये 2 व्यक्ति रांची वाले इसमें शामिल हो सकते हैं, तो वहाँ के रांची के जो जितने रास्ते में जितने 4-5 जिलों की पुलिस थी उनसे संपर्क किया गया और सभी SP से पूरे रात भर लाइजनिंग की गई, बात की गई और हमारी टीम जो ही घटना रिपोर्ट हुई इसके 1 घंटे के भीतर ही 2 पुलिस टीमें झारखंड की तरफ रांची की तरफ पीछा उन अपराधियों के पीछे लग गई थी। निखिल नाम का नाबालिग था जो कि घर से लेके गया था कुरकुरे के नाम से और मेरे यहाँ 3 महीने से काम करता था, उसने लेके गया था उसे। क्या बोल के लेके गया था? कुछ की कुरकुरे चिप्स दिलाऊंगा करके। उसके बाद आधा घंटा तक देखे कि नहीं आया, तो फिर तुरंत अपन जो भी था सब जगह पता किए और जहाँ तक हो सकता है किए। KSN 24 के लिए बंसी निराला की रिपोर्ट।